पैंडेमिक ने एक शेर का याद दिलाया, क्या तेरे शहर में इंसान है पत्थर की तरह, क्या तेरे शहर में इंसान है पत्थर की तरह, कोई नगमा कोई पायल कोई झनकार नहीं। तो आइए नगमा पायल की झनकार के साथ हम रूबरू होते हैं आज का नाटक कोणार्क के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बादल डूबते सूरज की बेकल, सांस सा चंचल पर निश्चल, अधूरे सपने सा विराम। सोता है।
स्वामी महाराज नरसिंह देव का राज्य और उनका मुख्य स्थपति महाशिल्पी विष्णु, जिसने एक के बाद एक चार अद्भुत मंदिरों का भुवनेश्वर में निर्माण किया, लेकिन फिर भी राजा की कामना और शिल्पी की साधना पूरी ना हुई। और अब महाशिल्पी विष्णु की निखरी हुई कला का अभूतपूर्व चमत्कार भगवान सूर्य का जगमगाता हुआ पुण्य धाम कोणार्क पूर्वी सागर के तट पर उदित हो रहा है। 1200 शिल्पियों और मजदूरों की 12 बरस की लंबी साधना और कठोर मेहनत के बाद महाशिल्पी विष्णु की विराट कल्पना साकार हो चली है। हाँ, विराट कल्पना। पाषाण का एक विशाल रथ, लंबी चौड़ी है जिसकी पेस्ट, दुर्ग प्राचीर में व्रत है जिसके 12 चक्र, 7 घोड़ों का भव्य रथ, और मंदिर के भीतर है एक अनोखा चमत्कार, सूर्य भगवान की मूर्ति चुंबक पत्थर के आकर्षण से निराधार शून्य में लटकी। विराट कल्पना साकार हो चली, लेकिन मंदिर का शिखर पूरा होना अभी बाकी है। सारे उत्कल की आंखें कोणार्क पर है। कब उसका शिखर पूरा होगा? कब 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 आखिर कब हम अम्ल के ऊपर त्रिपटर को स्थापित कर पाएंगे? आज 10 रोज हो गए हैं, बस इसी कारण मूर्ति का प्रतिष्ठापन नहीं हो रहा। राजीव, तुम तो कह रहे थे तुमने कलश के अध्वंश को और भी हल्का कर दिया है। हाँ, फिर भी कलश ठहर ही नहीं पाता। मैंने अम्ल के हरेक अनुपात को फिर से नापा, कहीं कमी नहीं। वो छप्र से ऊपर वाली भूमि के सारे जोड़ तो ठीक है ना? वे सब जोड़ तो आप ही ने अपने हाथों से बनाए थे। ताज जानता, पर मंदिर की महती कल्पना मेरी बुद्धि के परे हो चली है। मैं नहीं जानता था कि सूर्य भगवान के जिस विशाल वाहन का स्वप्न मैं देखा करता था, पूरा होते होते पार्थिव धरातल से उठ भगवान भास्कर के चरण छूने के लिए उतावला उठेगा। तात, राजनगरी के ज्योतिषी भानुदत्त का तो कहना है ये ठीक रहेगा ना विष्णु, कोई कमी तो नहीं है नाट्यचार की इस वेशभूषा में। हाथों में वीर शंखा कहाँ है तात सोमेश्वरी? इतना भी नहीं संदेह राजी, हाथों में मंजीर देखते हो? मंजीर बजाने की भंगिमा यदि ना हो तो वो नाट्यचार की मूर्ति क्यों कर लगेगी? और यदि मंजीर बजाना है तो सुवर्ण श्रृंखला कलाइयों में कैसे ठहर सकती है? समझा तात। हाँ, लेकिन तुम्हारा क्या विचार है विष्णु? हाथों को कट मुद्रा में रखू ना? ये देखो, बाएं हाथ को उल्टा करके इस तरह रखूंगा और दाएं हाथ को ऊपर से कटक मुद्रा में इस तरह, मानो मंजीर बजाकर मैं नृत्यों को संकेत दे रहा हूं। ठीक है ना? मामला क्या है विष्णु? ज्योतिषी क्या कहता है राजीव? कहता है कोणार्क देवालय जो ही पूरा होगा क्यों ही इसके पत्थरों के पंख लग जाएंगे और सारा मंदिर आकाश में उड़ जाएगा। मैंने भी सुनी थी ये भविष्यवाणी, लेकिन एक परिवर्तन चाहता हूँ। वो क्या था सोमश्री? मंदिर उड़ेगा नहीं, नाट्याचार्य सोमश्री के संकेत पर जब नट मंदिर में देवदास या नृत्य करेंगी तो ताल देने के लिए कोणार्क देवालय ही थिरक उठेगा। ताल परिहास की बात नहीं है बंधु। विष्णु, तो क्या तुम सच मानते हो कि कोणार्क के ये भारी पत्थर, ये विशाल काय मूर्तियां गगनगामी हो जाएंगी? कह नहीं सकता, पर एक बात अवश्य है, हमने पत्थरों में जान डाल दी है, उसे गति दे दी है। वो भूल रहा है कि वो इस धरती का पदार्थ है। आज पत्थर का ये मंदिर कल्पना के स्पर्श से हवा की तरह गतिमान, किरणों की तरह स्पर्शहीन और सुगंध की तरह सर्वव्यापी हो रहा है, लेकिन धरती से चकड़े हुए है ईर्ष्या से। जाने अनजाने में हमने पृथ्वी और आकाश के बीच एक भीषण संघर्ष खड़ा कर दिया है। पृथ्वी और आकाश के संघर्ष की बात फिर सोचना विष्णु,
उत्कल के पृथ्वीपति की क्रोधाग्नि झेलने का भी कोई प्रबंध किया है? महाराज श्री नरसिंह देव की क्रोधाग्नि उसे तो करुणा की फुहारें क्षण भर में शांत कर देती हैं, लेकिन वही फुहारें जब गर्म तवे पर पड़ती हैं तो उनकी जलन और भी बढ़ जाती है और फुहारें छूमंतर। तुम्हारा मतलब? उत्कल नरेश का क्रोध चाहे क्षणिक भले ही हो, लेकिन महामात्य राजराज चालुक्य उसे प्रज्वलित रखते हैं और उन्होंने दया से पसीजना नहीं सीखा। महामात्य राजराज चालुक्य राज्य के सब कुछ नहीं है? तुम भ्रम में हो बंधु। महाराज नरसिंह देव तो वहां वंग प्रदेश में यवनों को पराजित करने में लगे हैं और लोग कहते हैं राजनगरी में महामात्य ही आजकल सर्वे सर्वा है। तात, दूर दूर से आने वाले शिल्पी महामात्य द्वारा किए गए अत्याचारों के समाचार लाते हैं। उनमें से न जाने कितनों के ही कुटुंबों पर महामात्य के अन्याय का हथौड़ा पड़ चुका है। दिन प्रतिदिन तरह तरह की आशंकाजनक खबरें आ रही है। तात, सुना है महादंड पाशिक के सब अधिकार भी उन्होंने हथिया लिए हैं। तब तो सारे महादंड पाशिक सैनिक भी उनके अधीन होंगे। वही तो, राज्य सेना तो वहां यवनों से लड़ रही है और इधर दंड पाशिक सैनिकों के बल पर महामात्य की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। किसी की शक्ति बढ़े या किसी की शक्ति घटे, हमें तो इस कोणार्क को पूरा करना है। तात, यदि आप धर्मपद की बात सुने तो शायद अपना विचार बदल डाले। धर्मपद कौन? एक किशोर शिल्पी हाल ही में आया है। आयु तो अल्पी, शायद 16 वर्ष भी नहीं, लेकिन बुद्धि तीक्ष्ण। आपसे मिलना भी चाहता है तात। मुझसे क्यों? साफ नहीं बताता, कभी तो निर्निवेश मंदिर के कलश की ओर देखता रहता है और कभी अल्प समय में ही चमत्कार पूर्ण मूर्तियां तैयार कर देता है। कीर्ति स्तंभ पर गायकों के रूप उसी ने उत्कीर्ण किए हैं। एक 16 वर्ष के किशोर ने? राजीव, मैं उससे मिलूंगा। कहिए तो अभी बुला लाऊं। तात, आपको उसकी ओजमयी वाणी में विस्मृत विद्रोह का ताप मिलेगा। शिल्पी को उसके विद्रोह की वाणी नहीं चाहिए राजीव, मुझे तो उसकी कला चाहिए। मुझे भी उसकी कला चाहिए। उसे भी क्या नृत्य संगीत सिखाओगे बंधु? नहीं, सोचता हूँ मेरी मूर्ति तो तुम पूरा करने से रहे, इधर मैं तैयार खड़ा हूँ, ये प्रतिभावान किशोर ही उसे पूरा कर देगा। अरे ये कैसे संभव है, लाओ अभी पूरा कर देता हूँ। कितनी देर और इस वेशभूषा में खड़ा रहना पड़ेगा? थोड़ी ही देर, जल्दी है क्या? नहीं, प्रतिष्ठापन में जितनी ही देरी हो रही है उतना ही समय मुझे मिल जाता है संगीत की तैयारी के लिए। तो फिर से गीत गोविंद ही दिखाओगे? क्या ही अच्छा होता यदि जयदेव ने सूर्य भगवान पर वैसा ही संगीतक रचा होता। गीत भास्करम, यही नाम मैंने भी रखा है। तो क्या सच में भगवान भास्कर पर संगीतक प्रदर्शित करोगे? उससे अधिक समीचीन और कौन चीज होगी कोणार्क के नट मंदिर में। लेकिन भगवान भास्कर की कथा में वो रमणीयता कहाँ है? गणेश प्रसंग भी, कुंती और सूर्य देव, लोग समझते हैं कुंती ने ऋषि का वरदान जांचने के लिए सूर्य भगवान का आह्वान किया। क्षितिज पर सूर्य की अरुणिमा, सूर्य देव का मदर कुंती के मानस गजल के छेद में जगमगाता और प्रचंडता बन जाती ऐसे एक उत्पत्त और विश्वव्यापी विलास बन गया। युगल विलास दिखना पड़ा उदाम यौवन कवि उदान श्रृंगार का उल्लास। विलास के बाद
सोमू। विशु, मेरे संगीतक में जयदेव और कालिदास दोनों का मणिकांचन संयोग होगा। अद्भुत संयोग। गीतों में गोपियों की वृह वेदना बूंद बूंद होकर मर्मज्ञों के हृदय को साली और मुद्राओं में शकुंतला की विवशता। आजाद संतान का भार लिए कुंती उपालंब करेगी अपने दिव्य तेजस्वी प्रेमी सूर्य देवता के प्रति उसकी निठुरता निर्ममता हृदयहीनता। नहीं 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 नहीं, ये संगीतक नहीं होगा, कभी नहीं। विश्व, क्या हुआ तुम? कुछ नहीं। बंधु, मुझसे छिपाओ नहीं, इतना उत्तेजित होते मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। सोमू, यहां देखो। कितनी भव्य बन पड़ी है मेरी प्रतिमा। अद्भुत है तुम्हारा कौशल, लेकिन कहां मेरी गले में ये सीधा साधन कंठा और कहां इस मूर्ति के कंठा भरण के बीच खुदी है कामदेव की मनोहर छवि। ये कंकण, ये कंकण तो एक हाथी दांत के कंकण की नकल है। देखूं कैसा कंकण है वो। ये कंकण, ये कंकण तो एक हट भाग के सूर्य देव ने एक समोहित कुंती को दिया था। विशु, 17 बरस हुए। हाँ सोमू, वो वन की कली थी, जंगली शबर जाति की कन्या। शबर कन्या, उसका नाम था सारिका। सारिका, हमारे नगर में हाट के दिन अपने गांव वालों के साथ जंगली छाल और जड़ी बूटियां बेचने आती थी। लेकिन वो रागिनी टूटी कैसे विशु? वही कायरपन की कथा, सूर्यदेव भी तो कायर ही थे। और कुंती भी, तभी तो उसने अपनी संतान को गंगा में बहा दिया। लेकिन नहीं सोमू, उसने ऐसा ना किया होगा, कदापि नहीं। तुमने अपनी संतान को देखा था? नहीं सोमू, जब मुझे ज्ञान हुआ कि वो मां बनने वाली है तो कुल और कुटुंब के भय ने मुझे गरस लिया और मैं भाग आया। सोमू, मैं भाग आया भुवनेश्वर देव मंदिर और कला के आंचल में अपना मुंह छिपाने। कैसी विडंबना है ना विष्णु, कि तुम्हारी टूटी हुई रागिनी का विषाद तुम्हारी चमत्कार पूर्ण कला का वैभव बना। सोमू, भव्य मंदिरों की रचना करने वाले मेरे हाथ, मेरे ये हाथ सारिका और उसकी संतान के लिए झोपड़ी भी ना बना सके। 17 बरस तक जिस आशा पर तुम अपने मन में इस रहस्य को संजोए रहे वो वृथा नहीं जाएगी विष्णु। आशा, जंगलों में भटकने वाली निराशिता अविवाहिता मां और उसकी संतान से मिलने की आशा। नहीं सोमू, नहीं, मुझे प्रायश्चित करना होगा। प्रायश्चित कैसे? अगर कोणार्क देवालय पूरा ना हुआ तो उसे नष्ट करना होगा और यही होगा मुझ पातकी का प्रायश्चित। शिल्पी, तुम विष्णु हो, शंकर नहीं, निर्माता हो, संहारक नहीं। और फिर ये स्तंभ, ये पाषाण, इन्हें तो भूकंप ही गिरा सकता है अथवा काल की गति। सोमू, यहां तुमने वो ठीक बीच में आकर्षण पत्थरों को ध्यान से देखा है जिस पर सूर्य देव की मूर्ति निराधर स्थित है? क्या उनमें भूकंप की शक्ति भरी है? सुनो एक रहस्य की बात, ठीक बीच में वो जो चुंबक पत्थर है उसे हटाते ही मूर्ति इतनी वेग से गिर पड़ेगी और साथ में मंदिर की सारी शिलाएं और स्तंभ गिरने लगेंगे। आचार्य,
यही वो युवक है धर्मपद। ओ, तो तुम ही धर्मपद हो? सुना है तुम आशु शिल्पी हो। इतनी कम आयु में तुम्हें किस गुरु ने दीक्षा दी? किसी ने नहीं आचार्य, मैं शिल्पी बना क्योंकि मुझे जीवित रहना था। कला ही तुम्हारा जीवन है, यही ना? जीवन भी है और जीवन यापन का साधन भी। वो सारे जीवन का प्रतिबिंब है। देखो हमारे कोणार्क देवालय को आंखें भर कर देखो। देखते हो हमने जो मूर्तियां इसके स्तंभों, इसके उपपीठ और अधिस्थान में अंकित की है, उसमें मनुष्य के सारे कर्म, उनके सारे मनोरंजन और वासनाएं चित्रित हैं। यही तो जीवन है। क्षमा करें आचार्य, किंतु इन श्रृंगार मूर्तियों को देखते देखते मैं आघा गया हूं। अभी से युवक ये बात किसी रमणी के सामने ना कह देना, नहीं तो तुम्हें अविवाहित ही रहना पड़ेगा। ओ, तो तुम भी उन्हीं लोगों में हो जो इन प्रणय मूर्तियों में अश्लीलता देखते हैं। जीवन का आदि और उत्कर्ष नहीं, जीवन के आदि और उत्कर्ष के बीच एक और सीढ़ी है। क्षमा करें आचार्य, किंतु आपकी कला उस पुरुषार्थ को भूल रही है। जब मैं मूर्तियों में बंधे रसिक जोड़ों को देखता हूं तो मुझे याद आते हैं पसीने में नहाते हुए किसान, कोसों तक धारा के विरुद्ध नौका को खेने वाले मल्लाह की, दिन दिन भर कुल्हाड़ी लेकर खटने वाले लकड़हारे की। उनके बिना जीवन अधूरा है आचार्य। लेकिन कला नहीं, कला की पूर्ति चयन में है, छाटने में। जंगल में अनेक तरह के वृक्ष पौधे उपलब्ध होते हैं, लेकिन उपवन में मालिक छांट छांट कर सुंदर और मनमोहक पौधों को ही रखता है। छांटने वाली आंखों का खेल है आचार्य। आज की शिल्पी की आंखें वहां नहीं पड़ती जहां धूल में हीरे छिपे पड़े। मैं सही कहता था ना तात, धर्म पर तर्क निपुण है। मैं तर्क करने नहीं आया, मैं तो एक ऐसे संसार की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं जो आपके निकट होते हुए भी आपकी आंखों से ओझल हो गया। इस मंदिर में बरसों से 1200 से ऊपर शिल्पी काम कर रहे हैं, इनमें से कितनों की पीड़ा से आप परिचित हैं। जानते हैं आप, वहां माथे के कृत्यों ने इनमें से बहुतों की जमीन छीन ली है। कईयों की स्त्रियों को दासियों की तरह काम करना पड़ रहा है और उधर सारे उत्कल में आकार बढ़ रहा है। तो तुम समझते हो कि हमें इन सब चीजों का ज्ञान नहीं है? लेकिन राज्य की बातों में पड़ना हम शिल्पियों के लिए अनुचित है। मगर ये भी तो उचित नहीं है ना कि जब चारों ओर अत्याचार और अकाल की लपटें बढ़ रही हो, शिल्पी एक शीतल और सुरक्षित कोने में यौवन और विलास की मूर्तियां ही बनाता रहे। यदि मुझे प्रधान शिल्पी के अधिकार मिले होते तो तुम कोणार्क को अभी तक कब का पूरा कर चुके होते। पूरा करना अभी कठिन नहीं है। क्या धर्मपद, तुम भूल रहे हो तुम महाशिल्पी आचार्य विशु के सामने खड़े हो। पिछले 10 दिन से निरंतर चेष्टा करने पर भी ये मंदिर पर कलश को स्थापित ना कर सके, और तुम शास्त्रीय अध्ययन और अनुभव से शून्य तुम कहते हो इसे पूरा करना कठिन नहीं। युवक, अपनी शक्ति से बाहर की बातें ना करो। नहीं सहू नहीं, उसे अपनी बात पूरी कहने दो। बोलो युवक, क्या तुम अम्ल के ऊपर शिखर को स्थापित कर सकते हो? करोगे? सोच समझ कर उत्तर देना, ये कोई साधारण समस्या नहीं है। आचार्य, आचार्य, महामात्य चालुक्य आ रहे हैं। आचार्य, महामात्य? महामात्य बिना कोई पूर्व सूचना दिए? जी हाँ, कई अश्वारोही साथ है, सुनिए। सीधे यही चले आ रहे हैं, सीधे यही। अच्छा,
करते हो विष्णु? मैं क्यों इस तरह से ऐसा आया हूँ? महामात्य के आने की कोई पूर्व सूचना नहीं मिली? सूचना देता तो तुम्हारा ठंडा फोड़ कैसे होता? जी जी, राजनगरी में मैंने ठीक सुना है, यहाँ कोणार्क में राजकोष का धन नष्ट हो रहा है। ना तो शिल्पी लोग ठीक से काम करते हैं और ना ही मजदूर। 10 दिन हो गए वो कलश तक स्थापित ना हो सका। हम बराबर उसी की चेष्टा में थे महामात्य। चेष्टा में लगे हुए? मैं तो देखता हूं कि यहां गप्पे हो रही है। और ये युवक, ये यहां क्यों खड़ा है? मैं तो आचार्य के सामने शिल्पियों की दुख गाथा कह रहा था। शिल्पियों की दुख गाथा? प्रतिहारी, धक्के मार कर बाहर निकालो इसे, मुफ्तखोर कहीं। मैं आप ही चले जाता हूं। महामात्य, आपके शब्द बहुत कटु हैं। उसे मैंने ही अपने पास। कटु शब्द? कटु शब्द से काम नहीं चलेगा विष्णु। मैंने सुना है कि शिल्पी लोग राज्य के विरुद्ध सर उठा रहे हैं, स्वर्ण मुद्राओं में वेतन मांगते हैं। और तो और, महामात्य को किसी ने बढ़ाकर खबर दी? स्वर्ण मुद्रा भला, ये बेचारे क्या मांगेंगे? हाँ, ये अवश्य है कि अकाल के समय पर इनके कुटुंबों पर महान कष्ट आ पड़ा। ओ, देखता हूं नाट्याचार्य, तुम भी इन लोगों से मिले हुए हो। मंदिर पूरा होना तो लग रहा, तुम लोग राज पर दबाव डालने के लिए अभी संधि कर रहे हो। महामात्य, तुम लोगों को राह पर लाने की युक्ति मैं भली भांति जानता हूं। विशु, बरसों से बिन मांगी प्रशंसा सुनते सुनते तुम अपने आप को दंड विधान से परे समझने लगे हो। मैं तुम्हारा यही घमंड चूर करने के लिए आया हूं। सुन लो, कान खोल कर सुन लो, आज से 1 सप्ताह के अंदर यदि ये कोणार्क देवालय पूरा ना हुआ तो तुम लोगों के हाथ, शिल्पियों के हाथ काट दिए जाएंगे। शिल्पियों के हाथ काट दिए जाएंगे। आज से ठीक 8वें रोज या तो मंदिर में सूर्यदेव की प्रतिमा का प्रतिष्ठापन होगा या तुम 1200 व्यक्तियों की भुजाओं पर प्रहार। क्या यही है उत्कल नरेश की आज्ञा? उत्कल नरेश की आज्ञा है और मेरी महादंड वार्षिक की आज्ञा है। अब क्या होगा? राजनगरी में अपराधियों के हाथ कटते मैंने देखे, बड़ी पीड़ा होती है। उत्कल नरेश की आज्ञा? महाराज, मेरी बरसों की सेवाओं पर इतना भीषण कुठारा घात करेंगे। क्या मालूम उत्कल नरेश की आज्ञा है या महामात्य का अपना उत्पात। हमारे पास समय नहीं, साधन भी तो नहीं कि महाराज के मन की बात जान सके। 7 दिन, केवल 7 दिवस बाद हम सबों के हाथ काट दिए जाएंगे। हाथ? क्या कोई उपाय नहीं है आचार्य? एक उपाय है। धर्मपद, धर्मपद, तुम फिर आ गए। युवक, विनाश का वो संदेश अपने साथियों को भी सुना देना। मेरे अंदर साहस नहीं कि मैं उस विकराल घड़ी के लिए तैयार कर सकूं। मुझे अवसर दे आचार्य।
तुम्हें? जी, महामंत्री के आने से पहले आपने मुझसे पूछा था, क्या तुम अमल के ऊपर त्रिपटधर को स्थापित कर सकोगे? आचार्य, मेरा उत्तर है, मुझे अवसर दिया जाए। अगर तुम्हें अवसर दिया जाए तो तुम क्या कर लोगे? आचार्य, मुझे लगता है कि कोणार्क के शिखर की पंखुड़ियां उल्टी हैं, इन्हें उलट देने से शायद कलश ठहर सकेगा। कोणार्क का कमल? तुम्हारा मतलब छपर के ऊपर कमलाकार अमल से है? जी, यदि इसके हर एक पटल को इस तरह रखा जाए कि इसका जो भारी हिस्सा है वो अंदर पर हो और जो नुकीला भाग है वो बाहर की तरफ, तो इसकी आकृति खेले कमल की सी हो जाएगी, कली की सी नहीं लेकिन कलश स्थिर रहेगा। युवक, तुम्हारी बात मुझे सारहीन नहीं जान पड़ती। अम्ल के केंद्र पर अधिक भार देने से शायद कलश की यष्टि को सहारा मिले। मेरे मन में जो चित्र है उसे पूरी तरह तो नहीं समझा सकता, किंतु देखिए, अम्ल का आकार यदि कुछ इस तरह हो तो। तुम्हारी बात में कुछ तो तथ्य है। इस समय कलश पर अनुपात से अधिक भार है, अगर हम भार को हल्का कर सके तो शायद संभव है। अगर कमल के हर पटल को अंतर्मुखी कर दिया जाए तो संभव है, तो संभव है युवक, संभव है। चलो युवक, चलो, हम अभी कमल पर चलकर पटल बदलने की तैयारी करेंगे। चलो। ठहरिए। क्या हुआ? यदि मेरी युक्ति सफल हो जाए और हम कोणार्क के शिखर को स्थापित कर पाए तो मुझे क्या मिलेगा? जो कुछ भी मेरे हाथ में है मैं वो तुम्हें दे दूंगा। मैं चाहता हूं यदि शिखर स्थापित हो पाए तो एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए मूर्ति प्रतिष्ठापन के दिन आप अपने सभी अधिकार मुझे दे दे। धन्यवाद। अगर कड़ाक दीवाल पूरा हो जाता है तो एक दिन क्या, सभी दिनों के लिए वे सब अधिकार तुम्हारे हो जाएंगे। मैं अपने स्थान पर तुम्हें प्रधान शिल्पी बना दूंगा। शू, ये आप क्या कह रहे हैं? शिल्पी? मैं ठीक कह रहा हूँ राजीव, मैं ठीक कह रहा हूँ। तुम चाहते हो मुझे प्रधान के पद से कोई मोह नहीं, मोह है वो सिर्फ कोणार्क को पूरा करने में। और आज ठंडी पड़ी भाग को इस युवक ने धूप मार कर द्वारा प्रज्वलित कर दिया है। मेरे हाथ सिर्फ कोणार्क को पूरा करने के लिए आतुर है। चलो युवक, तुम चलो। हिमाचल की चोटियों की स्पर्धा करते जान पड़ते हैं।
राजकवि विश्वनाथ से कहो, वे अपने साहित्य दर्पण में कोणार्क का प्रतिबिंब खोजें। राज गायक चंद्रभान से कहो, इस अद्भुत रागिनी के प्रतिबिंब को अपने गायन में बांधो। विष्णु, जानते हो, यही वो गूंज थी जो हमें वंग प्रदेश में यवनों को पराजित करते समय रणभेरी में सुनाई। कलाकार की रागिनी निमक एक कण फूटो को खोज ही लेती है महाराज। विजय के तुरंत बाद अपनी सारी सेना वंग देश में ही छोड़कर राजधानी को लौट पड़े। कोणार्क का सम्मोहन व्याध की वंशी था और हम थे विवश। तो क्या कल नरेश की विजय सेना और महासेनापति प्रतिष्ठापन के अवसर पर ना सकेंगे महाराज? वे लोग अभी देश में ही है, किंतु महामात्य की अपनी दंडपाशित सेना नीचे ही आ रही है। हमने महामात्य को आदेश दिया था कोणार्क के उद्घाटन पर राज्य का संपूर्ण वैभव प्रदर्शित किया जाए। जय जय महाराज नरसिंह देव की जय। आपकी कला विवेकता मुझे विह्वल किए दे रही है। विह्वल हम हो रहे हैं विशु। यहाँ से 30 कोस पर मंदिर की गगनचुंबी पताका को देखकर हम बालकों की भांति अधीर हो उठे। उसी समय महामात्य हमसे बोले, उनके रथ की घुरी टूट गई है, वे तो पीछे ही ठहर गए, किंतु हम में इतना धैर्य कहाँ, झुक सकते महाराज। मूर्ति प्रतिष्ठापन तो महामात्य के आने पर ही होगा। मंदिर के जगमोहन और नट मंदिर में पुजारी वृंद और मेरी नृत्य मंडली प्रस्तुत। महामात्य को आने दो, उनके आने में अधिक विलंब ना होगा। और इसी बीच में हम चाहते हैं मूर्ति वंदना से पूर्व ही कोणार्क के निर्माता अपने प्रधान शिल्पी का उन्हीं के कक्ष में उचित रीति से समादर करें। महेंद्र, लाओ तो वो रत्नमाला। महाशिल्पी विशु, आगे बढ़ो और ये रत्नमाला हमारे हाथों से अपने है। ये देव, इस रत्नमाला का अधिकारी मैं नहीं हूं। विशु, ये तुम्हारी विनम्रता है या हर्ष के अतिरेक से तुम विक्षिप्त हो गए हो? तनिक ठहरिए देव। धर्मपद, अंदर आओ। क्या क्या कर रहे हैं महाशिल्पी? देव, इस रत्नमाला का अधिकारी ये युवक है और आज के दिन यही प्रधान शिल्पी भी है। प्रधान शिल्पी? हमने प्रधान शिल्पी इस युवक को नहीं, तुम्हें बनाया था विशु। देव, मैंने आज अपने सभी अधिकार इस युवक को दे दिए हैं। तुम अपनी सीमा के बाहर जा रहे हो विशु। देव, अगर ये युवक यहां ना होता तो हम लोग मूर्ति प्रतिष्ठापन के लिए प्रस्तुत ना होते। ये कैसे पहले? महाराज ने सुना होगा कि मंदिर के ऊपर कलश को स्थापित करने में बहुत विलंब हुआ था। ये बात की सूचना मैंने देव को वंगदेश में ही दी। उससे क्या, विश्व को अनेक भवनों के निर्माण में ऐसी समस्याएं सुलझानी पड़ी हैं। देव का कथन सत्य है, पर इस समस्या ने तो मेरी भी प्रतिभा का अपहरण कर लिया था महाराज। और तभी पावस में वातास की भांति त्रिष्ट भूमि में ये युवक आ पहुंचा। इसकी अद्वितीय सूझ मेरे लिए आकाशवाणी बनी और खोए राही का पथ प्रदर्शित हुआ। और केवल 7 दिन में ही अनवरत परिश्रम से इस युवक ने कोणार्क को पूरा कर दिया। हम चकित हैं। युवक, जब महाशिल्पी विष्णु तुम्हारा लोहा मानते हैं तो हम अविश्वास कैसे करें?
विसर्पायु में ही जो इतने अद्वितीय प्रतिभाशाली हो, ऐसे शिल्पी का हम सहर्ष स्वागत करते हैं। जय महाराज नरसिंह देव की जय। जय महाराज नरसिंह देव की जय। जय महाराज नरसिंह देव की जय। दास कल नरेश का आभारी है। यदि मेरी बुद्धि और प्रयास के द्वारा 1200 धर्मपद आचार्य, आपने वचन दिया था आज के दिन आपके सभी अधिकार मुझे मिलेंगे। उसे कहने दो विशु, हम उसकी बात सुनना चाहते हैं। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे संतोष इस बात पर है कि मेरे कारण 1200 शिल्पी अपंग होने से बच गए। युवक, तुम्हारा क्या आशय है? महाराज की आज्ञा थी ना, यदि 7 दिन के अंदर कोणार्क पूरा ना हुआ तो शिल्पियों के हाथ काट लिए जाएंगे। हमारी आज्ञा? तो ये आपकी आज्ञा नहीं थी देव? कह दीजिए देव, कह दीजिए कि महामात्य राजराज चालुक्य के शब्द झूठे हैं। महामात्य चालुक्य ने तुमसे कहा? ओ, उन्होंने शायद तुम्हें यूं ही धमकी दी होगी। उनका अभिप्राय तुम लोग नहीं समझे। अभिप्राय को समझना उन लोगों के लिए कठिन नहीं था देव, जिनके जीवन में काले बादलों की छाया की तरह महामात्य का भय फैला हुआ है। कौन है वे? वो ही जो उच्च सम्मिलित स्वर में अभी कुछ ही देर हुए आपकी जय जयकार कर रहे थे। वो सौंदर्य के निर्माता हजारों शिल्पी और मूर्तिकार। किंतु हमें तो उनके स्वर में बहुत उल्लास जान पड़ा। चुरमुट की ओट में चहकने वाले पक्षी का स्वर सर्वदा हर्षगान ही नहीं होता देव। आपको क्या मालूम उस जय जयकार के पीछे हाहाकार चुपचाप से सक रहा था। युवक, तुम्हारी बातें हमें नई और अपरिचित से जान पड़ती हैं। देव, ये उनकी बातें हैं जो बोल नहीं सकते। युवक, महाराज के समक्ष शिष्टा से बात करो। मेरी दृष्टता क्षमा करें देव, मैं साधारण शिल्पी राज दरबार के नियमों से अपरिचित हूँ। कोणार्क को पूरा करते समय मैंने आचार्य विशु से भी यही पुरस्कार मांगा था कि वो त्रस्त शिल्पियों की व्यथाएं मुझे उत्कल नरेश के सामने रखने दे। शिल्पी और त्रस्त, सौंदर्य की प्रणेता की क्या पीड़ा है? हम उसका निवारण करेंगे। यदि महाराज का यही विचार था तो कारीगरों को मिलने वाला स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार क्यों बंद कर दिया गया देव? मुद्राएं देना बंद किया गया कब से? महाराज को नहीं मालूम, 3 माह से तो यही आज्ञा दी। महाराज को नहीं मालूम? कह दीजिए देव, कह दीजिए कि महामात्य की ये आज्ञा भी उन्हीं का प्रमाद है। महामात्य चालुक्य को ये क्या सोची? रहस्य अधिकारी जी महाराज, कोषाध्यक्ष को आज ही आदेश दो कि इन शिल्पियों को जितनी मुद्राएं दी जानी है कल ही बांट दे, और इसके अतिरिक्त 10-10 स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार मूर्ति प्रतिष्ठापन के उपलक्ष में दे। पत्थर को जीवन दान दे, उसके जीवन स्रोत को हम तेजस्व देखना चाहते हैं। महाराज के वचन सार्थक हो यही हमारी भी कामना है। कामना क्यों? आज हम कोरी कामना नहीं मूर्ति का आयोजन कर रहे हैं। युवक, तुम निर्भय होकर हमारी उन्मुक्त जानवी के भगीरथ बनो। यदि महाराज की यही भावना रही तो भविष्य उज्जवल ही रहेगा। तुम फिर भविष्य की बात कर रहे हो युवक, हम तो आज ही अभी कोणार्क को हर्ष और उल्लास का प्रतीक देखना चाहते हैं। क्षमा करें आचार्य, ना जाने कितनी आहे हमारे सौंदर्य सदन के चरणों और चोटी से टकरा टकरा कर बिखर रही है। किसके आहे? महामात्य के अत्याचार से प्रपीड़ित जनता की। शिल्पियों के प्रति उनके भ्रम को हम दूर कर देंगे। किंतु ग्रामों से आए हुए सैकड़ों हजार किसान, वन और अटिविका के शवर, वो अनगिनत मजदूर जिनके ढोए हुए पाषाणों से हम उन्हें शिल्पी रूप देते हैं, आज वो सभी त्राही त्राही कर रहे हैं। यदि वो बोल पाते तो महाराज से केवल एक वरदान मांगते। क्या? महामात्य का पद
किसी प्रजावत्सल महोत्सव को दे दिया जाए। तुम अपनी परिधि के बाहर जा रहे युवक, अपराध क्षमा हो। अपने मंत्र को नियुक्त करने या निकालने में हम सामंत और श्रेष्ठियों की सलाह लेंगे, शिल्पियों की नहीं। यही बात तो इसे मैंने भी समझाई थी देव, राज्य की बातों में पड़ना हम शिल्पियों के लिए अन अधिकार चेष्टा है। राज राज चालुक के हमारे विश्वस्त महामात्य ही नहीं, पड़ोसी राज्य से भी संबंध है। उन्हीं पर भीतरी शासन का कार्य भार छोड़कर हम यवनों को पराजित करने वंग देश तक जा सके। तुम इन बातों को क्या समझो? किंतु प्रजा की शांति दे। हम महामात्य को आदेश देंगे कि कोई अनुचित बात न होने दें। राज्य के स्तंभ तो सामंत और श्रेष्ठीगण है, किंतु निर्धन प्रजा को सुखी रखने में ही हमारी कीर्ति है। महामात्य को आने में देरी हो रही है देव। रथ की धुरी ठीक होने में इतना विलंब तो नहीं होना चाहिए था। प्रतिहारी, बाहर जाकर देखो वे लोग आते दिखते हैं या नहीं। जो आ गया महाराज। क्या है महेंद्र? महामात्य तो अभी तक नहीं आए देव, किंतु कुछ लोग आते दिख पड़ते हैं। वे ही होंगे। कितनी दूर हैं? निकट ही, किंतु वे लोग आ रहे हैं पश्चिम से ही नहीं, उत्तर और दक्षिण से भी। अनेक रथ और सैनिक दूल्हा कैश से फैल रही है देव। जान पड़ता है महामात्य ने मांडलिक और सामंतों को भी बुलवा रखा है आज के समारोह में सम्मिलित होने के लिए। किंतु इस निमंत्रण का महाराज से गुप्त रखने का आशय? कौतुक नहीं देव। तो फिर षड्यंत्र। सारी गंज पाषिक सेना महामात्य के अधिकार में है देव। मैंने सभी द्वार बंद करा दिए। हम अभी सिंह द्वार पर जाकर स्वयं देखेंगे। तुम्हारा भ्रम है। छोड़ दो। भ्रम नहीं देव, छोड़ दो मुझे। देखिए, छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो। कौन? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। शिवालिक, इसे छोड़ दो। प्रतिहारी, क्या बात है? प्रभो, महाषड्यंत्र हुआ है। तीन दिशा से दंड पाशिक मंदिर को घेर रहे हैं। किसकी आज्ञा से? परम प्रतापी कलिंग नरेश श्री राज राज चालुक्य की आज्ञा से। चालुक्य? कलिंग नरेश, विश्वासघाती। स्वयं महाराज के सामने इतनी दंडता। मुझ पर हाथ उठाने की चेष्टा ना करे। मैं दूत के रूप में भेजा गया हूं। महेंद्र, ले लीजिए महाराज राज राज चालुक्य का संदेश और मुझे उत्तर दीजिए। तो रथ की धुरी इसीलिए टूटी थी, इसीलिए कि इतने समय में दंडपाशिकों की सेना और मांडलिकों को इकट्ठा कर लिया जाए राजधानी। नीच पामर, सबका सब विश्वास घाती। राज्य सत्ता की भित्ति विश्वास नहीं, बल है। भाई, यवन विजेता महापराक्रमी नरेश बलहीन कब से हो गए? यवन विजेता की सेना कहाँ है? सेना? यदि हमें इस दुर्भिसंधि का लेश मात्र भी आभास होता तो हमारी सेना देश में ना होती। किंतु अब पछताने से क्या होता है? अब तो आपके पास सिर्फ एक ही मार्ग है, आत्मसमर्पण। कभी नहीं। तो आत्महत्या? युद्ध में पराजित होकर बंदी होना आत्महत्या की तो तुम्हें होगा। बंदी? हमारे पूज्य महाराज बंदी हो?
कभी नहीं। hey! तुम्हें इन बातों से क्या मतलब? तुम लोग तो शिल्पी हो, कलाकार, कल इनके नौकर थे, आज से राज राज चालुक्य महाराज। शासन की बागडोर चाहे जिसके हाथ, तुम्हें तो बस अपनी कला साधना करनी है। बहुत हुआ, बहुत हुआ दूध, बहुत हुआ। हम कारीगर क्या भेड़ बकरियां हैं, जो चाहे जिसके हवाले हो जाए। आज ही तो हमारे भाग्य का फैसला होना था। जिस सिंहासन को तुम डावा डोल कर रहे हो, उस पर क्या वो बैठेगा जिसने सौंदर्य के निर्माता हजारों शिल्पियों को ठिकरों से भी तुच्छ मान ठुकराया। कलई हमारा है और इसके अधिपति है हमारे प्रजावत्सल नरेश श्री नरसिंह। बाश धर्मपद। पागल पने को गुलाब सुनने में नहीं आया हूं, मुझे शीघ्र उत्तर मिलना चाहिए। यदि आप क्या हो तो इस उत्तर चुनौती का मैं उचित उत्तर दे दूं। युवक, तुम्हारी वाणी ने हमें नई आशा दी है। हम मृत्यु पसंद करेंगे लेकिन उस नीच पामर चालुक्य के आगे घुटने ना टेकेंगे। तो सुनो शिवालिक, जाओ और अपने नए स्वामी के पास ये अंगारों भरा संदेशा ले जाओ। उससे कह दो कि कलिंग नरेश श्री नरसिंह देव महाराज अत्याचारियों और विश्वासघातियों की धमकियों से नहीं डरते। वो आज अकेले नहीं है, आज उनके साथ वो शक्ति है जिससे धरती थरथरा उठेगी। दीन निर्धन प्रजा की शक्ति जो कोणार्क के शिल्पियों में आज दुर्गम सेनाओं का बल भर देगी। कोणार्क का मंदिर आज दुर्ग का काम देगा। जाओ, हमें चुनौती स्वीकार है। स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। भीतर कुल कितने लोग हैं? लगभग 5,000, 1200 शिल्पी, अन्य जन मजदूर इत्यादि। किंतु हथियारों की कमी नहीं है। धनुबाण तो कम ही होंगे और घड़त हमारे अस्त्र है। कुदाली, दंड, हथौड़े और पत्थर मंदिर की प्राचीरों से विशाल पाषाणों को अकस्मात शत्रु के ऊपर गिराया जा सकता है। जब तक ये प्राचीर हमारे हाथों में है, शत्रु पास फटकने नहीं पाएगा। किंतु कब तक? रात्रि के पहले पहर तक। उसके बाद? उसके बाद हमारा और तुम्हारा काम है महेंद्र। दास कटिबद्ध है स्वामी। रात्रि में किसी तरह छुपकर जगन्नाथपुरी पहुंच जाना है। वहां श्री मंदिर के अधिष्ठाता कभी हमारे विरुद्ध नहीं जा सकते। उनकी सहायता द्वारा अपने गुप्त शास्त्रागार तक पहुंच जाना कठिन नहीं। महेंद्र। समझ गया महाराज, राजधानी की पौर सभा को मैं गुप्त सूचना दूंगा। रात ही रात में सब कुछ करना है। रात में तो युद्ध बंद होगा ही, सवेरे तक शत्रुओं को। किस पथ से जाना होगा? सागर के तट पर मंदिर का जो चौथा द्वार है, देव वहीं से नौका में बैठकर जा सकते हैं। थोड़ा ही समय लगेगा, किंतु तट के सारे सारे जाना होगा। और कोणार्क की रक्षा? धर्मपद, संभाल सकोगे? क्यों नहीं महाराज, कोणार्क के प्राचीरों के पाषाण सुदृढ़ है और उनसे भी अधिक दृढ़ है शिल्पियों की पूजाएं जो इन पाषाणों में प्राण फूंकती हैं। दृढ़ता के साथ कौशल भी चाहिए। समय कम है, चिंता न करें आर्य। आचार्य राजीव जी, कैसे भी करके रात के पहले पहर तक हमें शत्रु को रोकना होगा। इन प्रतिहारियों से आप धनुर्बाण लेकर अतिविका से आए शिल्पियों में बांध दे, उनका निशाना सदा हुआ है। अवश्य। और आप भास्कर जी, प्राचीर पर के पाषाण खंडों का जिम्मा मैं लेता हूँ। यह चारों प्रतिहारी गण सिंहद्वार पर शिल्पियों के साथ व्यूह रचना करेंगे। मैं अभी बाहर जाकर शिल्पियों और मजदूरों को टोलियों में बांटता हूं। और आर्य स्वामी श्री, आप मुझे केवल नाट्यचार न समझो धर्मपद। आप और आचार्य विष्णु
नृत्य मंडली की सहायता से घायलों की शुश्रूषा का भार लें। और तुम धर्मपद? यदि आज्ञा हो तो मैं नट मंदिर की छत से निर्देशन करता रहूंगा। शत्रुओं के वाण उधर ही आएंगे। उसके लिए प्रस्तुत हूँ महाराज। धर्मपद, आचार्य विष्णु ने तुम्हें आज महाशिल्पी का पद दिया और हम तुम्हें कोणार्क का दुर्गपति बनाते हैं। जय जय महाराज नरसिंह देव की जय। जय जय महाराज नरसिंह देव की जय। जय जय महाराज नरसिंह देव की जय। इस अंकिचन पर कलिंग नरेश का अपार अनुग्रह है। नहीं, हम तो तुम्हारे अदम्य साहस और उससे भी अधिक संगठन दक्षता देखकर विस्मित हैं। तुमने यवन विजेता उत्कल नरेश को अपने वश कर लिया। यदि ऐसा है तो आपको दुर्गपति का आदेश मानना होगा देव। क्यों नहीं? देव, मेरा आग्रह है कि आप मंदिर के पिछले वाले कक्ष में ही रहें। वही आपके लिए सुरक्षित स्थान है। यदि आपका बाल भी बांका हुआ तो सारी योजना ही निष्फल हो जाएगी। रात्रि के पहले पहर तक हमने अपने आप को तुम्हारे हाथों सौंप दिया है। उस समय तक तुम ही हमारे निर्देशक हो और तुम ही हमारे सेनापति। निर्देशक मैं नहीं हूं महाराज। धर्मपद, हमारे निर्देशक, हमारे सेनापति बाहर खड़े हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कौन? वो सौंदर्य के निर्माता हजारों शिल्पी जिनकी आत्मा की तड़पन ही कलिंग नरेश का अमोघ वज्र है, जिनकी सुकोमल भाव तरंगों को अत्याचारी की ठोकर ने महारोष का उत्ताल सागर भरा दिया है। जय जय महाराज नरसिंह देव की जय। जय जय महाराज नरसिंह देव की जय। जय जय महाराज नरसिंह देव की जय। नरसिंह देव महाशक्ति के आगे तो चले देव युद्ध से पहले इस प्रचंड खैर जी का अवलोकन करें। जय जय महाराज। कैसा है? कौन? धर्मा, क्या गजब का पराक्रम दिखाया उसने? क्या अतुल संगठन शक्ति, क्या स्फूर्ति! उसे देखकर हमारा एक एक शिल्पी पांच पांच सैनिकों के तुल्य हो गया। वो कैसा है? उसकी मूर्छा, उसका मूर्छित होना था कि शिल्पियों में बिजली दौड़ गई। दुगनी शक्ति से हमारे मुट्ठी भर शिल्पी जूझ पड़े और चालुक्य के पारावार को थमना पड़ा।
मुंह वो सब मैंने देखा था, पर अब वो कैसा है? कैसा है? तुम तो उसके मूर्छित होने के कुछ समय बाद ही चले आए। जान पड़ता है उसका शरीर चोट और आघात सहने का आदि। माँ बाप ने उससे बहुत कसरते कराई होंगी। सोमू मेरे प्रश्न का उत्तर दो, वो कैसा है? क्या हुआ था? और मेरी प्रतिमा के निकट तुम इस तरह मुट्ठी बांधे क्यों खड़ी? ये देखो आती रात का कंकड़। अरे ठीक वही आकृति, ठीक वही छवि जो मैंने तुम्हारी मूर्ति के कंठहार में अंकित की थी। कहाँ मिली तुम्हें? धर्मा के गले से गिरी जब वो मूर्छित हुआ। धर्मपद के गले से? धर्मपद यानी धर्मपद? हाँ सोमू, अब मुझे बताओ वो कैसा है, वो कैसा पुरुष हो? फिर हाँ, तुम मेरी पीड़ा नहीं समझोगे सोमू, बताओ वो कैसा है? शांत, मूर्छा दूर हुई या नहीं? मूर्छा दूर हो गई, रक्त बहना भी अब बंद हो गया है। अब तो वो पुनः युद्ध के लिए तैयार है। पुनः युद्ध? नहीं सोमू नहीं, उसे रोकना होगा। शांत विष्णु, रात में तो युद्ध बंद रहेगा और कल सवेरे तक निश्चय ही जगन्नाथपुरी से महाराज केशवरोही दल आ पहुंचेंगे। किंतु विष्णु मुझे तुम्हारी चिंता है। मेरी चिंता? परसों की खोई हुई निधि पा रहा हूं सोमू। अपनी बेताबी से उसी निधि को पुनः न खो देना। सोमू वो तो मुझे जानता भी नहीं, अगर जान लेगा तो क्या सोचेगा? सोमू सोमू क्या वो मेरा मुख भी देखना चाहेगा? सोमू वो क्या कहेगा? आचार्य सौमिश्री कहाँ है आप? विशु शायद वही आ रहा है, तुम स्तंभ की ओट में चले जाओ, जब आवाज तो आ जाओ। जाओ विशु, जाओ विशु। सैकड़ों शिल्पी मारे गए, जो घायल है उनकी सुश्रुषा तो आपके नटों गायकों और देवदासियों ने खूब की ना के चले, किंतु जो थके हैं रात्रि का विश्राम ही उनकी संजीवनी है। रात में तो युद्ध होगा नहीं, लेकिन हमें सावधान रहना है। यदि कोई मंदिर की प्राचीरों पर निगाह रख सकता है तो मेरे नट और वादक गायक ये काम करेंगे, पर वे तो नहीं थके हैं। अनुग्रहित हूं तार सौमिश्री, केवल निगाह रखनी है और कोई बात हो तो मुझे तुरंत सूचित करना। सूर्योदय तक महाराज के अश्वारोही चालुक्य के दल पर पीछे से आक्रमण कर देंगे और इधर से हम मुट्ठी भर शिल्पी भी पुनः प्रहार करेंगे। मुट्ठी भर शिल्पियों के प्राण तो तुम हो धर्मपद, मूर्छा के बाद तुम्हें भी विश्राम कर लेना चाहिए था। मुझे विश्राम की आवश्यकता नहीं है तात सौमिश्री। फिर कहता हूं रात्रि का विश्राम संजीवनी बूटी है। यदि मेरे पास इससे भी अधिक शक्तिवर्ग संजीवनी हो तो? वो क्या? ये देखिए, देखो। अरे मेरे कंठार का लोप हो गया, सदा यही अपने वस्त्र के नीचे रखता हूं मैं। आचार्य आपने तो? मैंने तो नहीं, पर उधर देखो मेरी मूर्ति के कंठ में एक आज है। अरे प्रतिमा के गले में ये कैसे पहुंचा? किंतु ये तो पत्थर पर अंकित है, ये कैसी मरीचिका? ठीक वही अंकन, वही बिल्कुल वही कामदेव की आकृति। नाट्याचार्य ये कैसी पहेली? ये पहेली तो मूर्तिकार ही सुलझाएगा। कौन? आचार्य विषु से पूछो। विषु
इस मूर्ति के कंठ में यह हाथ मैंने ही अंकित किया है और हाथी दांत के इस कंकण का शिल्पी भी मैं ही हूं। आप असंभव आचार्य, ये कंकण तो मुझे मेरी मां ने दिया था। कहाँ है तुम्हारी मां धर्मपत? मेरी मां आचार्य, मेरी मां तो अब नहीं है, इसीलिए उसके दिए हुए उपहार को इस तरह हृदय से लगाया फिरता हूं। मृत्यु से पहले उसने मुझे ये पढ़ाया था और कहा कि मेरे पिता की देन है। पिता? जिस पिता की बात उसने मुझसे कभी नहीं छेड़ी, पहली और अंतिम बार उसका नाम लिया था मेरी मां। पहली और अंतिम बार? कैसी अद्भुत थी मेरी मां, आंधियों के निर्दय झकझोर से बिना झुकने वाले ताल वृक्ष की तरह मुझे गोद में लिए जब वो पहली बार नगर में आई थी, तो कौन उसका सहायक था? मजदूरी करके गरीबी के कष्ट और वैभव के अपमान को सहकर उसने मुझे पाला। याद है तुम लोग कहां से नगर में आए थे? शवर अटिविका से। उसने मुझे वो शक्ति दी जिसके बल पर एक नन्हा बीज नए जीवन का प्रतीक बनता है। उसने मुझे आंचल से ढका भी और छुड़ाया भी। उसकी ओजमयी वाणी मेरे कानों में गूंज रही है। आप लोग सुन पाते हैं? मैं सुन पा रहा हूं, मैं सुन पा रहा हूं धर्मा। आचार्य, धर्मा, मेरे बच्चे, मेरे बेटे। आप रो रहे हैं आचार्य? धर्मपद, तुम सारिका के पुत्र हो, आपको मेरी मां का नाम कैसे मालूम? धर्मा, आचार्य विशु ही तुम्हारे पिता है। आचार्य, मेरे पिता? किंतु मेरे पिता का नाम तो श्रीधर था। यही नाम तो मेरी मां ने मुझे बताया था। वो अभागा श्रीधर, मैं ही हूं धर्मा। विश्व तो मेरा छतम नाम है जो मैंने शवर अटिविका से भागाने पर रख लिया था। मैं ही वो कठोर पापी हृदय श्रीधर हूं जिसके कारण तुम्हारी मां को इतने कष्ट उठाने पड़े धर्मा। आचार्य, मुझे पिता कहो धर्मा, मुझे पिता कहो। पिता? आपको मेरी मां की याद आती है? 20 बरस से उसी याद के बल पर जी रहा हूं मैं। क्या तुम मुझे क्षमा कर सकोगे पुत्र? आर्य, मेरी आंखों के सामने जो पर्दा है उसे उठाइए नहीं, उस पर मेरी माँ की मधुर गंभीर दर्द भरी मूर्ति दिख पड़ती है और वहां सूरज की अंतिम किरणें उस पर पड़ रही है। किरणों के बीच माँ कैसी भली दिख पड़ती है, ये किरणें कहां से आती है आर्य आप जानते हैं? ये किरणें तो तुम्हारी मां के तन से फूट रही है धर्मा। मैंने भी देखा है। कब?
मंदिरों का निर्माण करते करते जब सहसा मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता था तो उस अंधेरे में ना तो मैं मूर्तियां गढ़ सकता था और ना आकार प्रकार निश्चित कर पाता और ना ही पत्थरों को जीवित कर सकता धर्मा। तभी तभी तुम्हारी मां की मनोरम छवि मुझे मिलती और उस छवि से मुझे प्रकार ठीक वही किरणे ठीक वही आलोक और अब मानो कुणार के उन्नत शिखर पर मेरे स्वप्न को छिन्न होता हुआ देख उसने तुम्हें मेरे पास भेजा धर्मा। जाने किस अदृश्य शक्ति ने मुझे शिल्प कला सिखा दी। तुम आचार्य पिशु के पुत्र हो धर्मा। कुणार और किसी के स्पर्श से कैसे ही जग सकता था। जैसे मरुस्थल में निर्जरी सहसा भय उठती है वैसे ही मेरी प्रतिभा तुम्हारे मन में विकसित उठी धर्मा। सैकड़ों वर्षों तक कुणार के उन्नत शिखर को देख लोग कहेंगे कि वो विशु और उसके पुत्र की सर्वोत्तम कृष्ण कृति है। मेरे जैसा भाग्यशाली पिता पूरे उत्कल में और कौन। संध्या की किरणें सिमट रही है आर्य, लगता है जैसे मां बुलाती हो। नहीं धर्मपत, हम उसे बुलाएंगे। क्या तुम्हारी माँ कल भी नहीं आएगी? कल जब कलिंग और कुणार्क के ऊपर से बादल हट जाएंगे, कल हमारे महाराज श्री नरसिंह देव विजयी होंगे। कल कुणार्क के प्रांगण में मेरा और तुम्हारा पिता और पुत्र का अद्वितीय अभिवादन होगा। विजय का अभिवादन। कैसा पूर्व क्षण होगा वो। मेरी सारी तपस्या लगन उन्माद और उल्लाद में निलय हो जाएगी। धरती और आकाश मेरे उत्साह को संभाल ना सकेंगे। शिल्पियों के गौरव को सारे समाज की समृद्धि नतमस्तक करेगी धर्मा। विशु, विशु, क्या हुआ? गजब हो गया। हम लोगों का किया कराया सब मिट्टी हो रहा है। क्या हुआ रे? मंदिर के दक्षिण प्राचीर के अंगुष में शत्रु ने चुपचाप रास्ता बना लिया है। मैं निर्भों को लेकर उधर जा ही रहा था कि देखा शत्रु का दल सीधे अंदर घुसा रहा है। दौड़कर राजीव को समाचार दिया, लेकिन हम ए हारे मुट्ठी भर शिल्पी कैसे रोकेंगे उन आतंकियों को? यही आशंका थी मुझे। कुचक्री चालुक्य भला रात्रि युद्ध निषेध को क्यों मानता? अब क्या होगा सोमू, अब क्या होगा? महाविनाश का आह्वान। उसे रोकना होगा, उसे रोको। सोमू धर्मा को रोको। मुझे रोकने की चेष्टा ना कीजिए आर्य। मुझे संध्या की वो ही किरणें बुला रही है। माँ बुला रही है आर्य। सोमू क्या कोई उपाय नहीं? मैं चालुक्य के आगे भीख मांगूंगा, अपने बेटे के प्राणों की भीख मांगूंगा। आप मेरा अपमान कर रहे हैं धर्मपत। आपकी ममता का यूं तिरस्कार न करो। ममता वो सुनिए, मृत्यु की फैलती छाया में अत्याचारियों से जूझने वाले वीरों की पुकार सुनिए। मैं उसे अनसुना कर दूं? उन्हें मेरी जरूरत है। शीतल होती हुई यज्ञ की अग्नि में एक बार फिर आहुति की आवश्यकता है। शायद वो अंतिम आहुति हो। तुम जा रहे हो पुत्र? हाँ मैं जा रहा हूं।
जिस नीच से आप भीख मांगते हैं मैं उसे भीख दूंगा, अपने प्राणों की भीख। तात, मैं जानता हूं आप कायर नहीं हैं, लेकिन मेरा मोह आपको कायर बना रहा है। लेकिन जाते जाते आपको एक बात और याद दिला देना चाहता हूं कि आप पिता होने के पूर्व एक शिल्पी हैं, कारीगर हैं। आज उन शिल्पियों पर अत्याचार का प्रहार हो रहा है, कला पर मदान घटा टूट पड़ी है, सौंदर्य को सत्ता पैरों तले रौंद रही है। और कोणार्क, आपका सुनहरा सपना जिस घोंसले में आपके अरमानों का पंछी बसेरा लेने जा रहा था, वही कोणार्क एक पामर पापी अत्याचारी के हाथ का खिलौना बन जाएगा। आतंक के हाथों में जकड़ी हुई कला सिसकेगी और वही होगी कारीगर की सबसे बड़ी हार, सबसे भारी हार। लेकिन कितनी देर के लिए? वे लोग सीधे आगे बढ़ रहे हैं। ऋषि, मैं जाता हूं, देखो शायद उसे बचा सकूं। कारीगर की हार, कोणार्क आतंकी के हाथ का खिलौना। कोणार्क मेरी निधि, कोणार्क मेरी सृष्टि, अपावन हाथों में, भ्रष्ट हाथों में। ओ अभागे कारीगर, कहाँ है तेरा गौरव, कहाँ है तेरी मौन तपस्या का पुरस्कार। कारीगर की हार। असंभव, असंभव। कोणार्क शिल्पी की पराजय का प्रतीक नहीं रहेगा, नहीं रहेगा।
पूछो कहाँ है, नरसिंहदेव कहाँ है? सोमश्री तुम झूठ बोल रहे थे। यही तो छोड़कर गया था विशु को। देखिए वो उतरी है। नरसिंहदेव कहाँ है, कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। देखता हूँ तुम भी उसी राह पर जाना चाहते हो जहां पर उस उद्दंड धर्म को भेजा है। इसी क्षण उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके समुद्र में फेंके जा रहे हैं। सुनिए देव, अंदर कोई है? कबाड़ तोड़ दो। विशु, कबाड़ खोल दो। विशु सोमू, मैं कबाड़ नहीं खोल सकता। विशु तुम कहाँ? विशु बहुत ऊपर चुंबक के पास। विशु तुम चुंबक तोड़ रहे हो? हाँ सोमू, मैं चुंबक तोड़ रहा हूँ। देव मूर्ति गिर पड़ेगी। विशु देव मूर्ति भी गिरेगी और शिखर भी, और फिर पत्ते की सारी छत चिलाया थप गिरने लगेंगे। दोबारा तोड़ दो। मेरे ऊपर, तुम्हारे ऊपर, इतनी विश्वासघातियों के ऊपर सुनार टूटेगा। Thank you.
के विमान के टूटते ही अत्याचारी चालुक्य और उसके साथियों का विनाश हुआ। और विशु, जिस विराट कल्पना को उसने साकार बनाया, उसी की गोद में उसे मृत्यु शैया मिली। वे पाषाण खंड जिन्हें उसने जीवन दिया था, उसके शव पर फूलों के समान बिखरे पड़े रहे। उसके प्यारे बेटे ने ही तो वे फूल बिखेरे थे। कैसा अनूठा है ये खंडहर। अनूठा खंडहर सोता है। तो मित्रों, आपने देखा रंगायन नाट्य समिति की आज की प्रस्तुति नाटक कोणार्क। जैसा कि आपने देखा, ये नाटक अपने आप में बहुत ही सृजनशील और चिंतनशील नाटककार जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। कला, समय, समाज और सत्ता के बीच के संघर्ष को इस नाटक के माध्यम से जैसा उन्होंने उकेरा है, हमारे आज के नाटक के निर्देशक रवि तनेजा सर ने अपने इन होनहार प्रतिभावान कलाकारों के माध्यम से उसे मंच पर बखूबी सामने रखा है। मैं आज के नाटक के डायरेक्टर रवि तनेजा सर को मंच पर बुलाना चाहूँगा। रवि तनेजा सर,
बहुत बहुत धन्यवाद रवि तनेजा सर, आपके नेतृत्व में आज की ये नाट्य प्रस्तुति हमारे सामने आई और दर्शकों के उत्साह तालियों की गूंज से आप समझ सकते हैं कि प्रस्तुति किस तरह से रही होगी। एक बार फिर से तालियां आप लोग बजाएं। मैं एक एक कर आप सबका अपने कलाकारों से परिचय कराना चाहूँगा। कलाकारों की सूची में नाम लेता जाऊँगा और उनकी हौसला अफजाई के लिए आप तालियों से स्वागत करेंगे। विशु की भूमिका में उत्कर्ष पुरी, धर्मपद की भूमिका में अंशुल डोगरा, धर्मपद की भूमिका में अंशुल डोगरा, नरसिंह देव की भूमिका में मोहम्मद इरफान, सौमिश्री दत्त की भूमिका में सात्विक दुबे, राज चालुक्य की भूमिका में रविंदर पंत, राजीव की भूमिका में जितेंद्र कुमार, सर्वलिक की भूमिका में शिवांश जायसवाल, महेंद्र वर्मन की भूमिका में कार्तिकेय वंसल, भास्कर की भूमिका में रवि, सैनिकों की भूमिका में रवि, अभिनंदन सिंगला, दक्ष, दिवाकर, शेख मोहम्मद अयान, मूर्ति और नित्यांगना की भूमिका में तन्वी मूर्ति और नित्यांगना की भूमिका में, सूत्रधार की भूमिका में दक्ष और अभिनंदन सिंगला, पहली वाचिका आयुषी झा, दूसरी वाचिका स्नेहा जैन। नित्यांगनाओं ने आज इस नाटक में कमाल कर दिखाया है। लगातार 1.5 घंटे तक मंच पर यथावत बने रहना और अपनी भूमिका को लगातार निभाते रहना। नित्यांगना की भूमिका में देवयानी नौटियाल, न्योनिका घटक, करिश्मा सुंदरियाल, तरुषी गोयल, दृष्टि सहगल, स्नेहा जौहरी, इप्सिता बेहरा, प्रिया अग्रवाल, अनुष्का चौहान, रुंझुन अग्रवाल, नित्या कौशिक, रिद्धि गुप्ता। पोस्टर डिजाइन उत्कर्ष पुरी ने किया। वेशभूषा डालचंदी मंच पर आ जाए, उनका स्वागत है। डालचंदी सभागार में है, मंच पर आ जाए। निर्देशन सहायक की भूमिका में नैन्सी सिन्हा, कार्तिकेय बंसल। सेट प्रॉपर्टी जिन लोगों ने तैयार किया, ये नैन्सी सिन्हा है, पिछले कई दिनों से लगातार सेट प्रॉपर्टी नैन्सी सिन्हा, आयुषी झा, स्नेहा जैन। मेकअप में हमारे पूर्व छात्र जितेंद्र कुमार ने भूमिका निभाई है। जितेंद्र जी मंच पर आ जाइए प्लीज, जितेंद्र हैं सभागार में। लाइट डिजाइन राघव प्रकाश जी ने किया है। राघव प्रकाश जी मंच पर आ जाएं अगर आप हैं यहां पर। राघव प्रकाश जी, स्टेज मैनेजर नैन्सी सिन्हा, संगीत निर्देशक गायक नूपुर नारायण व सलोनी तनेजा। नूपुर नारायण, सलोनी तनेजा प्लीज मंच पर आ जाए। बैकग्राउंड म्यूजिक नैन्सी सिन्हा। कोरियोग्राफर रिद्धि गुप्ता, न्योनिका घटक, करिश्मा सुंदरियाल, इप्सिता बेहरा, नित्या कौशिक। मैं अब मंच पर डॉक्टर जयदेव तनेजा सर को आमंत्रित करना चाहूंगा और हमारे रंगायन के पूर्व संयोजक लोग भी यहाँ पर हैं। अजीत कुमार सर को आप देख रहे होंगे, मूवमेंट में हैं लगातार। प्रोफेसर अनामिका प्रसाद और भी लोग हैं, मैं उन सबका भी इस अवसर पर बहुत बहुत
धन्यवाद और अभिनंदन कर रहा हूं। मैं डॉक्टर जयदेव तनेजा सर से आग्रह करता हूं कि कृपया मंच पर आ जाएं। मैं आज के नाटककार जगदीश चंद्र माथुर जी के फैमिली से हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चंद्रहास माथुर सर से आग्रह करूंगा कि मंच पर आएं और समीर माथुर सर से भी आग्रह करूंगा कि मंच पर आएं और कल के हमारे नाटककार अशोक लाल सर से भी आग्रह करूंगा कि मंच पर आएं। हमारे रंगायन समिति के सदस्य राजेश चंदादर सर और ओपी यादव जी से भी आग्रह है कि मंच पर आ जाएं। मैं जयदेव तनेजा सर से आग्रह करूंगा, प्रिंसिपल सर हमारे बीच आ चुके हैं, उनसे आग्रह मंच पर आ जाएं। मैं जयदेव तनेजा सर से आग्रह करूंगा कि वो पुष्पगुच्छ भेंट कर चंद्रहास माथुर जी को सम्मानित करें। मैं आप लोगों से एक सूचना भी साझा करना चाहूँगा कि जो आज का नाटक, महत्वपूर्ण नाटक जो आप लोगों ने देखा है, इसका अंग्रेजी रूपांतरण, इंग्लिश में अनुवाद चंद्रहास जी ने किया है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम देखेंगे कि वो नाटक भी दिल्ली के मंचों पर प्रदर्शित किया जाएगा और हम सब उसके दर्शक के रूप में भूमिका निभाएंगे। मैं जयदेव सर से पुनः आग्रह करूँगा कि आज के नाटक के डायरेक्टर रवि तनेजा सर को पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित करें। बुके है, बुके दोनों को भी दिलवा दीजिए। रवि सर का आज की प्रस्तुति के लिए जितनी प्रशंसा की जाए, जितना धन्यवाद दिया जाए, सब कम है। मैं प्रिंसिपल सर से आग्रह करूंगा कि अशोक लाल जी को भी पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित करें। मैं प्रिंसिपल सर से पुनः आग्रह करूंगा कि पुष्पगुच्छ भेंट कर समीर माथुर जी भी, चूंकि हमारे बीच उपलब्ध हैं, तो उनको भी सम्मानित करें। मित्रों, ये जो रंगायन समिति इस तरह का नाट्योत्सव आयोजन कर पाती है और इस रूप में, बृहद रूप में ये संभव हो पाता है, उसके इवेंट मैनेजर के रूप में आप लोग रजनीकांत जी को जानते हैं पहले से भी, और रजनीकांत जी से आग्रह करूंगा कि मंच पर सामने आ जाएं प्लीज़। रजनीकांत जी अक्सर छुपके जीने में विश्वास करते हैं। और प्रिंसिपल सर से आग्रह करता हूं कि रजनीकांत जी को भी इस अवसर पर पुष्पगुच्छ भेंट कर, आज हमारा जो नाट्योत्सव हो रहा है उसके आयोजन में कलाश्री की महत्वपूर्ण भूमिका है, तो हम कलाश्री की को भी अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारे एक बहुत ही रंगायन समिति से बहुत गहरे जुड़े हमारे पूर्व निर्देशक और शुरुआती दौर से जुड़े हुए सतीश आनंद जी का मैं मंच पर स्वागत करता हूं। कृपया सर मंच पर आइए और मंच की गरिमा को बढ़ाइए। सर पुनः आग्रह आपसे कि मंच पर आ जाए। सतीश आनंद जी का परिचय मैं यूं देना चाहूंगा कि आज जिस राजकुमार राव को हम राष्ट्रीय अभिनेता के रूप में जानते हैं और जिन्होंने कई राष्ट्रीय पुरस्कार अर्जित किए इस फिल्मी दुनिया में, उनका निर्देशन, शुरुआती निर्देशन सतीश आनंद सर ने किया है, उनके निर्देशन में उन्होंने अभिनय किया है। तो सतीश आनंद सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि आज की प्रस्तुति पर सतीश आनंद सर जरूर दो शब्द कहें। सतीश आनंद सर नमस्कार। मुझे लगता है कि प्रस्तुति अपने आप में सब कुछ कह देती है और ये क्षण इस बात का नहीं है कि हम उस पर कुछ बोलें, और वो तालियों की गड़गड़ाहट आप सबकी, हमारी सबकी, वो हमें साथ बांध के लिए जा रही थी, तो इसी से पता लगता है कि इन बच्चों ने, निर्देशक ने, पूरी टीम ने कितनी मेहनत की है और एक आलेख को जीवित किया है। इस नाटक स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के जो
पहला नाटक और हमारे आधुनिक हिंदी रंगमंच का एक बहुत ही सशक्त नाटक के रूप में इसका नाम हुआ था और हम सब ने पढ़ा भी था इसके। उस काल में 60s में बहुत सारे निर्देशक हुए और जिन्होंने भी रंगमंच पर अपना कदम रखा उन सब के लिए ये नाटक एक चुनौती होता था और हर निर्देशक इसको करना चाहता था और हर अभिनेता इसमें विश्व की भूमिका करना चाहता था। तो इतना ये सशक्त नाटक और इसने हिंदी रंगमंच, आधुनिक हिंदी रंगमंच की मुझे लगता है, जयदेव जी शायद मुझसे क्या कहेंगे तो उस बात को मानेंगे या सहमत होंगे कि इस नाटक ने हिंदी रंगमंच को एक नई धारा दी, एक नई शक्ति दी, एक नई भाषा दी, एक नया शिल्प दिया और अद्भुत नाटक है ये। आज भी उसी तरह झकझोरता है, उसी तरह की बातें करता है और वो सवाल उठाता है एक कलाकार और एक राजसत्ता और उसके बीच में वो झूलता हुआ और उसकी जो कठिनाइयां हैं एक शिल्पी की, उसका दुख, उसका दर्द, उसकी पीड़ा, उसकी भावनाएं, उन सबको ये नाटक बहुत गहरे में व्यक्त करता है और उन सब की अनुभूति आज मुझे हो रही थी। तो मैं सच में आपका बहुत आभारी हूँ, आपने बहुत सुंदर इस नाटक की प्रस्तुति की और इसकी एक जो बहुत खूबसूरत सबसे चीज़ थी वो ये सारी बालिकाएं जो नर्तकी के रूप में लेकिन मूर्तियाँ जिस तरह से इन्होंने एक डेढ़ घंटे तक यहाँ खड़ी रहीं विभिन्न मुद्राओं में, उन मुद्राओं से अभिव्यक्त भी करती रहीं और अंतिम दृश्य में तो इन्होंने कमाल कर दिया। तो उसके लिए आप सब बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं ज्ञानतोष जी का, रंगायन का और आप सब का बहुत बहुत आभारी हूं, आपने मुझे ये अवसर दिया और इतनी सुंदर प्रस्तुति देखने को मिली, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। रवि तनेजा सर का मानना है कि जयदेव सर कह देंगे दो शब्द तो उससे उनकी बात आ जाएगी। सर मित्रों, मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि ये कोणार्क का मंचन नहीं, एक चमत्कार था। जिस तरह कोणार्क मंदिर का निर्माण और उसकी नेपथ्य कथा हमारे सामने आती है, इस नाटक के करने की नेपथ्य कथा हमारे सामने कभी नहीं आएगी। इतने कम समय में इतने बड़े महत्वपूर्ण नाटक को इतने सारे कलाकारों के साथ तैयार करके इस रूप में प्रस्तुत करना, ये जैसे कोणार्क मंदिर अपने आप में चमत्कार था, उसी तरह से मुझे ये आज का प्रदर्शन एक जादुई प्रभाव छोड़कर गया है और मैं इन सब बच्चों को और जो लोग भी इसके साथ जुड़े रहे हैं, नेपथ्य वाले लोग सामने नहीं आ पाते, हम जैसे लोग आ जाते हैं, तो उन सबको मैं बधाई नहीं देना चाहता हूं बल्कि सलाम करता हूं कि इतने कम समय में इतनी खूबसूरती से तकनीकी कुशलता के साथ इन बच्चों ने जो काम किया है वो सचमुच काबिले तारीफ है और इसके लिए रवि तनेजा और इन तमाम बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद, शुक्रिया। सही बात है कि आज की इस प्रस्तुति को देखकर खुद निर्देशक रवि तनेजा अभिभूत रहे होंगे, इसीलिए लगता है सर कुछ दो शब्द कहना चाहते हैं। कुछ नहीं कहना चाहता मैं, सिर्फ प्रिंसिपल साहब की परमिशन से और जयदेव तनेजा की परमिशन से नैन्सी अगर सामने आ जाए जिसने पूरे इस प्रोडक्शन को संभाला, कि आप नैन्सी को दें।
ये अकेली बच्ची थी जो लगी रहती थी। और ये मैं धर्मप्रत को देना चाहूंगा। धर्मप्रत सर आपकी तरफ से। मैं अब कॉलेज के और विशु के रोल के लिए प्लीज विशु मैं सर आपसे कहूंगा ये विशु को मेरी तरफ से प्लीज सर। कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा सर से आग्रह करूंगा कि दो शब्द धन्यवाद के रूप में। मंचन से जुड़े निर्देशक सभी हमारे कलाकार विद्यार्थी पुराने छात्र सबका धन्यवाद कि उनकी वजह से ही आज का ये मंचन आज का प्रदर्शन और ये जो एक हम लकीर खींचना चाहते हैं हर साल वो हो सका संभव। तो आप सबको पहले धन्यवाद आप सबको बधाई। जब किसी प्रदर्शन के बाद और किसी विधा का गुरु अपने शिष्यों को बुलाकर मंच पर सम्मानित करे तो समझो कि आपने बेहतर काम किया है। लेकिन बेहतरी का रास्ता यहाँ बंद नहीं होता है, यहाँ से चुनौती बढ़ जाती है। तो आप लोगों को और बेहतर करना है। कलाश्री के जो मेरे विद्यार्थी हैं उनके लिए कुछ स्पेशल अब दिमाग में आया है। मैं कॉलेज में कुछ करूंगा तुम्हारे लिए। और दीपांकर जी जो रंगायन के कन्वीनर हैं उनको मैं कहता हूं कि प्रदर्शन से जितने जुड़े विद्यार्थी हैं सबको अब कॉलेज की ओर से पुरस्कृत करने की योजना बनाएं। आप लोगों ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया। चूंकि धन्यवाद ज्ञापन का मेरा काम है तो नाटक के प्रदर्शन की अनुमति देने के लिए माथुर साहब के परिवार का सबसे पहले शुक्रिया। इस उद्घाटन सत्र में गरिमामयी उपस्थिति के लिए प्रोफेसर दिनेश सिंह चले गए, उनका उनकी पत्नी श्री पवन जग्गी जी का शुक्रिया। रवि तनेजा जी ने इतने कम समय में इस चुनौती को स्वीकार किया, इतना बेहतर प्रदर्शन किया। मैं स्वयं सशंकित था, इस बार ऐसा रहा पहली बार कि ना आपने नाटक देखा रिहर्सल में ना मैंने देखा लेकिन बहुत बेहतरीन काम हुआ है और हम सब लोग इससे हमें बहुत संतुष्टि मिली है कि जिस विश्वास के साथ रंगायन से जिसको हमने जोड़ा है वो बिल्कुल खरा सोना साबित हुआ है। तो आप सबका पूरी टीम का दीपांकर उनकी टीम के सभी सदस्य ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लोग सबको तहे दिल से मैं शुक्रिया करता हूँ। जयदेव जी ने सोचा नहीं होगा जब मैं इनसे बाल हट करता था आज से 25 साल पहले कि सर एक ड्रामेटिक सोसाइटी कॉलेज में बन जाती तो बहुत अच्छा होता, ये मुझे टाल देते थे। लेकिन मेरे हठ के कारण सोसाइटी भी बनी और आज हम यहाँ खड़े हैं, ये मेरी उपलब्धि है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों आप सबका। कल फिर हम मिलते हैं 6 बजे इसी सभागार में एक मामूली आदमी के साथ रूबरू होंगे।